हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी स्टार्टिंग द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। ओके, तो अगर आप ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा पढ़ोगे तो वो आपके पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप थोड़ा सा यदि रिकॉल करो तो आप प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री कैसे पढ़ते थे? आप ट्रायंगल बनाते थे, आपके पास लाइंस हुआ करते थे, आपके पास एंगल्स हुआ करते थे, है ना? ऐसे आप ज्योमेट्री पढ़ा करते थे प्रीवियस क्लासेस में। बट अब आपको जो ज्योमेट्री पढ़नी है उसके लिए आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, कोई आपके पास एंगल नापने के लिए प्रोट्रैक्टर नहीं होगा। ओके, किसी लाइन को अगर दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है तो आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप पहले ब्रेक किया करते थे यहाँ पे एक लाइन बना करके सेगमेंट कुछ करके, याद है आपको ऐसे किया करते थे? तो ये सब काम आप नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रायंगल का एरिया भी निकाल रहे हैं तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आप इसको साइड्स नहीं चाहनी पड़ेंगी। ओके, कि हेरोंस फार्मूला आप लगा रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज़ प्योर ज्योमेट्री। ओके, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम आपके सामने बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। और हमारे जो सिलेबस में जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? दो एक्सेस, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। देखो बच्चों, ये प्लेन है। अब इस प्लेन में आपके सामने केवल दो एक्सेस हैं, कि मतलब इस प्लेन में आप दो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। इधर आप ये ट्रेवल कर सकते हो, इसको आप लेंथ मान लो और आप इसको ब्रेथ मान लो। मतलब आप जो भी पॉइंट रखोगे उसकी दो पोजीशंस होंगी। ये पॉइंट सपोज है तो उसकी दो पोजीशन होगी, एक अलोंग द लेंथ और एक अलोंग द ब्रेथ। तो अलोंग द लेंथ की पोजीशन, अलोंग द लेंथ को आपने जो एक्सेस डिसाइड किया दैट इज एक्स एक्सेस। लेंथ के अलोंग जो आपने एक्सेस डिसाइड किया उस एक्सेस का नाम क्या है? एक्स एक्सेस। ओके, और जो ब्रेथ के अलोंग आपने एक्सेस डिसाइड किया वो एक्सेस क्या है? वाई एक्सेस। भाई आपकी पेन हवा में तो नहीं चल सकती ना कि यहाँ पॉइंट बना दोगे, बिकॉज हम प्लेन में स्टडी कर रहे हैं। तो दिस पॉइंट यू कैन डिनोटेड विद द नेम पी एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स क्या बताता है? ये एक्स बताता है कि आपने एक्स के अलोंग में कितना चला। तो यहाँ से लेकर के अगर आप ये इसको परपेंडिकुलर डालो तो ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस का नाम क्या है? स्मॉल एक्स यूनिट। ये डिस्टेंस है स्मॉल एक्स यूनिट, समझ में आ रहा आपको? तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा एक्स एक्सेस में, ये क्या बनेगा? स्मॉल एक्स कॉमा ज़ीरो। स्मॉल एक्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्मॉल एक्स इस तरफ चल दिया तो ये हो गया। अब ज़ीरो क्यों बना? ज़ीरो इसलिए बना क्योंकि ये दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है ये वाई की पोजीशन को बताता है। आप यहाँ पर बैठे तो क्या आपने कोई हाइट ट्रेवल करी? नो। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ज़ीरो। ओके, अगर आप इधर आ जाओ, देखो यदि ऐसे चलो 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 इधर चलो, तो देखो इसके सामने आपने यदि यहाँ से आपने प्रोजेक्शन डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो आपने इस एक्सिस के अलोंग केवल क्या ट्रेवल करी है? हाइट ट्रेवल करी है, बट लेंथ तो ट्रेवल नहीं करी है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा वाई, बिकॉज लेंथ का कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट होता है, हाइट का दूसरा कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो किसी पॉइंट की पोजीशन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। आपने देखा होगा मिलिट्री में जो सर्विस करते हैं, जो अपने फौजी जवान होते हैं वो अपनी पोजीशंस को दिया करते हैं। अब इतने जंगल में कोई कैसे ढूंढ पाएगा? वहाँ पर कोई हर जगह तो बना नहीं है ना कुछ कि अपनी पोजीशन बताने के लिए, तो वो लोग अपनी पोजीशन को इन कोऑर्डिनेट में ही शो किया करते हैं, समझ गए ना? इवन एरोप्लेन आसमान में अपनी पोजीशन को किससे शो करता है? अब इतना बड़ा स्काई है, वहाँ पे तो कोई ऐसा लगा हुआ नहीं है ना कि कोई स्टाफ वहाँ पे लगा हुआ हो कि बता रहा हो कि आपका जमशेदपुर इतना है, जबलपुर इतना है, वहाँ तो कोई बोर्ड वगैरह लगा नहीं है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपनी पोजीशन तीन कोऑर्डिनेट्स में देते हैं, एक्स वाई जेड। आसमान में थ्री कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड। ओके, क्योंकि आसमान में लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। ओके, तो तीनों चीज़ हुआ करती हैं। आसमान तो स्पेस है ना, वो तो प्लेन शीट थोड़ा ना है, है ना, स्पेस है। तो तीन कोऑर्डिनेट में, या एक और चीज़ चलती है आपने साथ पढ़ा हो जिसको बोलते हैं लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड, तो वो लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड में अपनी पोजीशन को बताया करते हैं, ठीक ना। जो अर्थ है, अर्थ को बहुत छोटे छोटे सर्कल्स में ब्रेक कर दिया गया है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं, समझ में आया? एक कुछ तो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं और कुछ कौन से सर्कल्स हैं? वर्टिकल सर्कल हैं। ओके, अब ऐसे वर्टिकल सर्कल भी हैं अर्थ के। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल को बोलते हैं लैटीट्यूड, और जो वर्टिकल सर्किल हैं वो क्या है? लॉन्गीट्यूड। ओके,
तो कहीं भी प्लेन अगर उड़ रहा होता है तो अपनी पोजीशन वो लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड में दिया करता है। आ गई बात आपको समझ में? तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ओके, सो इफ आई रीड द फर्स्ट लाइन, है ना, क्या लिखी है फर्स्ट लाइन, ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द प्लेन डिजायर्ड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स। ओके, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मोर बेसिकली द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप जो है किसी पॉइंट की पोजीशन को एज ए ऑर्डर्ड पेयर दोगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ये कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जैसे देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये दो यूनिट एक्स एक्सिस में चला है, वो तीन यूनिट वाई एक्सिस में, तो इसकी जो पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2, 3, बिकॉज एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और वाई एक्सिस में 3 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो ये दो पोजीशंस इसकी बनेगी, समझ में आया ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कभी आप अगर टेलर के पास गए हो नाप देने के लिए, तो टेलर क्या करता है, आपका नाप लेता है और आपने देखा होगा एक स्लिप बनाता है जिसमें वो ऐसा कुछ लिख करके देता है, 13, देन उसके बाद 26, देन उसके बाद 18, देन उसके बाद समथिंग 45, देन उसके बाद ये ऐसा कुछ लिख करके देता है, वो उसका फिक्स होता है, है ना, आपको ये समझ में नहीं आता बट उसे समझ में आता है। और आप उसको यदि ये स्लिप दिखा देते हो तो वो फिर से उसी तरीके का कपड़ा तैयार करके आपको दे देगा। ये क्या होता है, वो सबसे पहले आपकी शुरुआत में गले का नाप लेता, सबसे पहले हाइट यदि नाप लेता तो हाइट लिख देगा कितनी है आपकी। ओके, गले का नाप लेगा, फिर शोल्डर्स का नाप लेगा, है ना, फिर कमर का नाप लेगा, फिर पैरों का नाप लेगा। तो ये उसके फिक्स ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये पूरी आपकी ज्योमेट्री सेट कर लेता अपने मन में। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये अपनी एज पर नीड, एज पर सहूलियत उसने अपने लिए बना रखे हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज टेकन एक्स एक्स कॉमा जीरो एंड वाई एक्सिस इज 0, y। अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस का जो जनरल पॉइंट लोगे दैट इज़ विद द नेम एक्स कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट आएगा कैसा दिखेगा आपको, देखो जरा, एक्स एक्सिस में सबसे पहले ओरिजिन आता है, ओरिजिन में तो 0, 0, मतलब जहाँ एक्स भी नहीं ट्रेवल किया वाई भी नहीं ट्रेवल किया वहाँ तो जीरो। अब आगे चलो, एक कदम आगे चल गए, आपने एक्स में कितना ट्रेवल किया, 1, वाई में तो कुछ नहीं किया ना, तो वाई में 0। फिर एक कदम और आगे चलो, क्या बनेगा, 2, 0। 1 कदम एक और आगे चले, क्या बनेगा, 3। तो 1 यूनिट, एक कदम का मतलब 1 यूनिट। ओके, देन अगेन 1 यूनिट, 4, 0। तो अगर मैं किसी जनरल पॉइंट की बात करूं तो जनरल पॉइंट क्या होगा, x, 0। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देन इसी तरीके से y एक्सिस में 0, 0 है, दिस पॉइंट विल बी 0, 1, बिकॉज x में तो आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो ना, आप लेंथ ट्रेवल कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो आप केवल हाइट ट्रेवल कर रहे हो, तो 0, 1, दिस पॉइंट विल बी 0, 2, दिस पॉइंट विल बी 0, 3। ओके, सो जनरल पॉइंट विल बी 0, 10। रॉन्ग, 10 तो स्पेशल पॉइंट है ना आप भाई, जनरल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे आप हर पॉइंट को दिखा सको। जैसे इसका है एक्स कॉमा 0, तो इसका क्या बनेगा, 0, y, मतलब y की प्लेस पे कोई भी आ सकता है, तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल पॉइंट। ओके, हाँ, अगर आप प्लेन पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ x भी होगा और कुछ ना कुछ y भी होगा, देन योर जनरल पॉइंट विल बी x, y। समझ में आ रहा है? अगर आप प्लेन पे कोई पॉइंट ले रहे हो देन योर जनरल पॉइंट विल बी x, y, बिकॉज उस समय x भी कुछ ना कुछ होगा और y भी कुछ ना कुछ होगा। समझ में आया? तो ये हमारी बात क्लियर हो गई कि अगर हम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज टेकन x, 0 वाइल द वाई एक्सिस इज 0, y। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया इतना? नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला। अब है नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। आमतौर पर हम ज्योमेट्री में क्या किया करते थे, दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए एक मेजरिंग टेप लेते हैं और उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। बेटा कॉपी बंद कर दो, ठीक है ना, हम एक मेजरिंग टेप लेते हैं और दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, देखिए, बट अभी हमें ऐसा नहीं करना है, ये हमारे पास एक सिस्टम है या प्लेन है। ओके, एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन कहलाता है ये, एक्स वाई प्लेन, प्लेन ही तो है ना, ये प्लेन शीट है, एक्स वाई प्लेन। इसके कुछ ना कुछ नाम होंगे कोऑर्डिनेट के, क्या नाम होंगे, x1, y1, बिकॉज x कुछ ना कुछ होगा, y कुछ ना कुछ होगा, सो वी कैन नेम इट बाई x1, y1, एंड दिस नेम इज x2, y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है, क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो सवाल ये है, इसका पॉइंट का नाम ले लो P, इसका नाम ले लो Q। ओके, तो
इसके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला आप लर्न करो। वो फार्मूला क्या होता है मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पी से लेके क्यू के बीच के डिस्टेंस। डिस्टेंस दिखाने के लिए इस नोटेशन होता है जिसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। ये मॉड जो बताता है कि आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, है ना। तो दिस इज़ द फार्मूला इज़ गिवन बाई, एक अंडर रूट लगाओ, ओके, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मतलब x के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो और y के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। कभी आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपने x1 माइनस x2 लिख लिया, नो प्रॉब्लम, तब भी आपका फार्मूला बिल्कुल सही रहेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। क्या है, आप इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, बट ये याद रखना x से x को ही माइनस करना और y से y को, ये नहीं कि आप y से x को कर दो या x से y को कर दो। क्लियर हुआ? सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये ऐसे हमारे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकला करती है। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट एक इसका स्पेशल केस लेते हैं। देखो, अगर आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन हो फिर क्या करोगे? ये मान लो आपके पास कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये तो वैलिड पॉइंट है, समझ गए ना। बट आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन है, ये देखो ये ओरिजिन है एक पॉइंट आपके पास, दिस पॉइंट इज 0, 0। अब ये डिस्टेंस निकालनी, ओरिजिन का नाम O होता है, इसका नाम ले लो क्या, P। तो डिस्टेंस निकालोगे तो OP की डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, x2 की जगह x है, x1 की जगह कौन है, 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो OP यू कैन राइट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, समझ में आया? इस तरीके से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो इस तरीके से हमको ये डिस्टेंस निकालने वाली प्रोसेस हुआ करती है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम किसकी हेल्प से पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जो एक प्लेन में क्या बताते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन, क्या बताते हैं, पोजीशन। ये जो फर्स्ट पोजीशन बताता है एक्स का पोजीशन, जो अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी लेंथ ट्रेवल करी बताता है, दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, इसका नाम क्या होता है, एब्सिसा। और जो वाई पोजीशन बताता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो दो चीज़ें हुआ करती, वन इज कॉल्ड एब्सिसा एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनेट। ओके, क्लियर हुआ? सक्षम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो ये हो गई, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे है हमारे पास, तो ये हमने डिस्टेंस पढ़ ली। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इज गिवन बाई दिस फार्मूला, और ओरिजिन से डिस्टेंस ये होगी। सो दिस इज़ डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग विद द सेक्शन फार्मूला। अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? आपके स्कूल में आपने सुना होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन का मतलब होता है हिस्से। क्लास के दो हिस्से कर देते हैं जब क्लास बड़ी हो जाती है, एक क्लास में ज़्यादा बच्चे अच्छे नहीं लगते तो क्लास बड़ी कर देते हैं, छोटी कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन। तो ये देखो, ये आपके पास है कोई लाइन। अब लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, दिस इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का कुछ नाम ले लो, इसका एंड का नाम पी ले लिया, इसका एंड का नाम क्यू ले लिया। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लो, सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेगमेंट इज एक्स वन वाई वन। ओके, इसके कुछ कोऑर्डिनेट का नाम ले लो, क्या ले लो इसका नाम बोलो, एक्स टू वाई टू, ठीक है ना। अब आपको मन कर रहा है, ये लाइन मान लो कितनी भी है, कितनी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लिया कि मुझे इस लाइन को ऐसे तोड़ना है कि इस लाइन की दो हिस्से इधर और पांच हिस्से इधर। मतलब टोटल लाइन को कितने हिस्सों का कंसिडर करोगे आप? सात हिस्सों का, सेवन पार्ट का। तो सेवन पार्ट में आप टू पार्ट यहाँ डिज़ायर कर रहे हो और सेवन और फाइव पार्ट यहाँ डिज़ायर कर रहे हो, है ना। मतलब ये लेंथ नहीं है बेटा, ये लेंथ नहीं है, ये पार्ट्स हैं। मान लो यदि 7 मीटर की कोई स्केल है तो आप मान रहे हो यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पर 5 मीटर, है ना। ये इसके हिस्से हैं, जैसे कहते हैं ना आधा आधा, तो आधा क्या होता है, हिस्सा होता है ना। तो मतलब इस टोटल लेंथ के लगभग 2 पार्ट यहाँ आ जाए और 5 पार्ट यहाँ आ जाए, मतलब यहाँ का पार्ट बड़ा रहेगा। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? ओके, इसको तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट आपको चाहिए ना, आपको ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आपको अभी पता नहीं है,
अननोन चीज़ों को क्या बोलते हैं, x कोमा वाई। अब देखिए x का कैसे हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो देखो x इक्वल्स टू, बेटा बहुत सिंपल है, ये क्या बने हैं, ये हिस्से हैं इस रेशो में, रेशोज हैं ये, कि आपको इतने रेशो में तोड़ना है। कितने रेशो में तोड़ना है, 2:5 में तोड़ना है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि टू ये वाला कोऑर्डिनेट इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये वाला इसके साथ, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 2 × x2 ओके 2x2 प्लस क्या आएगा 5x1 अपॉन 2 + 5। समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 2x2 + 5x1 अपॉन 2 + 5 कितना हुआ 7। दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2y2 + 5y1। मतलब इधर का रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर का रेशियो इसके साथ, समझ में आया 5y1 अपॉन 2 + 5। अगेन इसको क्या लिख लोगे 5y1 + 2y2 अपॉन 7। तो कोई आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, समझ में आ गया। इसका एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं अपन, जो फार्मूला बुक्स में दिया रहता है, ये देखो ये दिया रहता है। अगर आपके पास कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, इस लाइन को किस रेशो में, इस लाइन को m रेशो n में ब्रेक करने वाला कोई पॉइंट है ओके x, y, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो x y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहला आएगा x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ। जब x की बात कर रहे हो तो x से ही मल्टीप्लाई करोगे ओके, और रेशो इधर का रेशो उसके साथ जाएगा, उधर का रेशो इसके साथ। सो इट विल बी m x2 + n x1 अपॉन m + n, समझ में आया, एंड m y2 + n y1 अपॉन m + n, समझ में आ गया, क्लियर हुआ, बन जाएगा। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ओके ऑफ अननोन पॉइंट। आप इस तरीके से अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये देखिए सेक्शन फार्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट px, y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ax1 y1 bx2 y2 इज गिवन बाय दिस, समझ में आया। अब इसका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे आप, मिड पॉइंट क्या होता है, हमेशा बराबर बराबर रेशियो में होता है ना, मिड पॉइंट क्या होता है, बराबर बराबर रेशियो, मतलब ये कोई लाइन सेगमेंट है, अब आपको बीच से तोड़ना चाह रहे हो, तो ये लिखा है m रेशो n, ये लिखा है m रेशो n, तो कंडीशन क्या होगी, m इक्वल टू, क्योंकि जितना इधर उतना ही इधर, समझ गए ना। अब जरा m इक्वल टू n रख के करो, इसमें ये मिड पॉइंट बना रहा हूँ मैं ओके, ये मैं मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट, तो यदि मिड पॉइंट के केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसा मैंने कहा m इक्वल टू n रख के करो, तो मतलब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ क्या रख दो, n, तो देखो m x2 + m x1 ओके, n की जगह m पुट कर दिया, और नीचे m + m मतलब कितना आ गया 2m, ऊपर से m कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा x2 + x1 अपॉन 2m, m से m कोऑर्डिनेट क्या बन गया x1 + x2 का हाफ, इसी तरीके से सेकंड वाला y1 + y2 का हाफ, समझ में आया। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, क्लियर हो गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्टिंग पॉइंट, मतलब आपको एक ऐसा एक ट्राइसेक्टिंग पॉइंट का मतलब आपको एक लाइन दी रहेगी, क्या दी रहेगी, एक लाइन, आपको कहेगा ये लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, ए और बी इसके वर्टेक्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1 एंड x2 y2, आपको बताना है कि वो कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट जिसको ट्राइसेक्ट करे, ट्राइसेक्ट का मतलब कितने, 3 इक्वल हिस्से कि 2 इक्वल हिस्से, 3 इक्वल हिस्से, मतलब एक पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा, एक पॉइंट समवॉट यहाँ पे होगा, होगा ना। अब 3 इक्वल हिस्से हैं, आपको रेशो नहीं दिया रहेगा, खुद रेशो, तो देखो 3 इक्वल हिस्से हैं, तो ये एक हिस्सा बना, ये एक हिस्सा बना, ये एक हिस्सा बना, हाँ यहाँ 3 हिस्से बन गए। तो यदि इस पॉइंट को आप P ले लो, तो ये पॉइंट P इस सेगमेंट को पूरे को कितने रेशो में काटेगा, यहाँ एक भाग
और यहाँ दो भाग, यानी एक हिस्सा और दो हिस्सा। तो इसका जो रेशो बनेगा पी का, पी किस रेशो में ब्रेक करेगा, 1:2। आ रहा समझ में? हाँ। क्यू किस रेशो में ब्रेक करेगा? क्यू किस रेशो में ब्रेक करेगा इसको, लाइन को? यहाँ दो हो जाएंगे, यहाँ एक, तो क्यू ब्रेक करेगा 2:1। तो एक बार ये लगा करके पॉइंट फाइंड कर लोगे, एक बार ये लगा करके पॉइंट फाइंड कर लोगे, यस और नो? क्लियर है ना? तो 2:2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? एक अल्टरनेट भी और भी है, अगर आपको ये पॉइंट मिल जाए, और ये पॉइंट तो आपके पास क्वेश्चन ही दे देगा, तो इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। तो आप इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल के भी ये एनालाइज कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हम ट्राई सेक्शन के पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे सेक्शन फार्मूला का सारा क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। दो वैरायटी होती है सेक्शन फार्मूले में, एक अगर रेशो दिया हुआ है तो पॉइंट फाइंड करना, दूसरा अगर पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट दिया हुआ है तो क्या फाइंड करना, रेशो। समझ गए ना? तो आपको m रेशो n फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, आपको पॉइंट तो दिया रहेगा ना, जैसे मान लो ये पॉइंट दिया है 2.4 और ये पॉइंट दिया है -3.5, ये पॉइंट दिया है कितना, 6.2। क्लियर है? तो आपने रेशो क्या मान लिया, m रेशो n। तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है, x कोऑर्डिनेट तो इस बार 2 दिया है, 2 = m × 6, यानी कि 6m प्लस ये कितना था, n × -3 -3n अपॉन m + n, ये आ गया m + n। आया समझ में? तो इसको सॉल्व करो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2m + 2n = 6m - 3n। क्लियर हुआ बेटा? चलो 2m को यहाँ लेके आओ, तो 2m - 6m = -3n - 2n। ये कितना हुआ बेटा, -4 का m, और ये कितना हुआ, -5 का n। माइनस से माइनस कैंसिल। बेटा m के नीचे n को लेके आओ, ये m तो बैठा हुआ है, n को नीचे बुला लो, = 5:4। मतलब ये जो पॉइंट है किस रेशो में तोड़ रहा है, 5:4 में। आया समझ में? एक बार फिर से समझा दूँ, देखो अभी तक आपको क्या था, पॉइंट दिए हुए थे और रेशो दिया हुआ था, हम पता करते थे बताओ ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। अब हम आपको ब्रेकिंग पॉइंट दे रहे हैं और रेशो पता कर रहे हैं, समझ गए ना? ब्रेकिंग पॉइंट दे रहे हैं और रेशो पता कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो, तो ब्रेकिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो 2 = फॉर्मूला होता है m × this + n × this, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x की बात चल रही ना, तो देखो 6 × m × -3 × n प्लस बीच में अपॉन m + n। क्लियर हुआ? हाँ, है ना? ये कैसे आया बेटा, अभी बताया था ना, m का मल्टीप्लाई इसके साथ m1 x2, n का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट के साथ, याद करो, यही तो बताया था अभी, है ना, m1 x2 + m2 x1, m1 + m2 फार्मूला बताया ना, सेक्शन फार्मूला भी, ये देखिए ये लिखा हुआ है, m का मल्टीप्लाई इसके साथ, n का मल्टीप्लाई इसके साथ, इक्वल टू किसकी वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ये था, बट अभी x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको, x कोऑर्डिनेट अपन को कितना दिया है, 2, तो 2 से कंपेयर कर दिया, एक इक्वेशन बन गई, m + n जाके 2m + 2n = 6m - 3n, 2m - 6m = -3n - 2m, तो -4m = -5m, समझ में आ रहा है? तो m/n = 5/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आ गया समझ में? अच्छे से आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें हमको पॉइंट दिए हों तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो पॉइंट दिए हुए हों तो हम रेशियो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा? चलिए, ठीक है ना? तो नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं, ये रखिए, तो सेक्शन फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक्चुअली, ओके, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, अब सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, सही है, द पॉइंट ऑफ द कंकरेंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वर्टाइसिस a1x, इतना 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 दिया जाता है। सो ये चलो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में मे भी पढ़ा होगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ये देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं,
तीन कोने होते हैं ना, कोने को वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज़ फर्स्ट वर्टेक्स, इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा एक्स वन कॉमा वाई वन। दिस सेकेंड वर्टेक्स, इसकी भी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी एक्स टू कॉमा वाई टू। दिस इज़ थर्ड वर्टेक्स, इसकी भी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी एंड द पोजीशन वी सपोज दैट दिस इज़ एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। बेटा देखो मीडियन क्या होती है, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। ये देखो यहाँ से खींचा, ये इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, समझ गया ना। तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा क्योंकि ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा, समझ में आया ना। तो ये मीडियन हो गई। एक और मीडियन ले लो, ये देखो ये मीडियन ले लो, इसने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। एक और मीडियन ले लो, इसकी मीडियन ले लो, ये देखो इसने इसको दो पार्ट में ले लिया। ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, मिलेंगी ना। ये जो पॉइंट कहलाता है दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। समझ में आया नहीं आया, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। क्लियर हुआ, इस तरीके से आप ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे। क्लियर है। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम आपको बाद में याद दिलाएंगे, मगर पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को वर्टेक्स की तरफ से किस रेशो में काटता है, 2:1। मतलब जो सेंट्रॉइड होगा ऊपर का हिस्सा दो भाग तोड़ेगा और नीचे का हिस्सा एक भाग। जैसे ये वाली लेंथ होगी दो हिस्से में और ये वाली लेंथ होगी एक हिस्से में। ये वाली कितने में, दो में। ये वाली कितने में, एक में। ओके, नाउ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कर लो। ट्रायंगल का सेंटर क्या होगा, दो ही कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, दो ही तो पोजीशन होंगी, तो एक्स कॉमा वाई। सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। ओके, जी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, देखो एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट देगा सेंट्रॉइड का और ये देगा वाई कोऑर्डिनेट। आया समझ में ना, दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं ना सेंटर के, दो ही पोजीशन होती हैं, एक एक्स में और एक वाई में। क्लियर हुआ, तो इससे सेंट्रॉइड निकालते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ए बी और सी, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे एक्स वन कॉमा वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट क्या एक्स टू कॉमा वाई टू, और इसके कोऑर्डिनेट क्या एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला पहले तो हम पढ़ते थे 1/2 base × height, बट अब नहीं है वो फॉर्मूला। तो केवल आपको याद रखना है 1/2, क्या याद रखना है 1/2। अब आपको देखो कुछ करना है, क्या करना है, सबसे पहले x1 लिखो, x2 लिखो, x3 लिखो। ओके, ये लिखा आपने x1, बॉक्स लगाया, प्लस x2 लिखा आपने, ये बॉक्स लगाया, प्लस x3 लिखा आपने, ये बॉक्स लगाया, लगा दिया x1 x2 x3। अब इसके बाद आपको क्या रखनी है वैल्यूज, साइक्लिक ऑर्डर। देखो साइक्लिक ऑर्डर मतलब वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, तो टू आएगा, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फिर से क्या वन, वन के बाद फिर से टू, तो वन तो लिख चुके हो ना। अब साइक्लिक ऑर्डर में वाई जमा दो, तो क्या आएगा, पहले आएगा वाई टू, माइनस में क्या वाई थ्री। अब यहाँ पे टू आ चुका है ना, तो अब कौन आएगा वाई थ्री, थ्री के बाद फिर से कौन आता है वन, टू क्यों आएगा, टू तो पीछे हो जाएगा ना। ऑर्डर ऐसे ही फॉलो करो आप, साइक्लिक ऑर्डर एक तरफ से देखो, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद क्या वन, तो वाई थ्री माइनस वाई वन। यहाँ कौन आ चुका है थ्री, थ्री के बाद कौन आता है, अरे क्या आएगा वन, वाई वन, उसके बाद क्या आएगा, हाँ क्लियर हुआ। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो आ गया तो मतलब ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, मतलब तीनों पॉइंट किस में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में। तो एरिया ज़ीरो आना मतलब ये किसकी कंडीशन है, यह है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। तीन पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो उनका ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, ज़ीरो, है ना। तो अगर तीन पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया विल बी ज़ीरो। तो दिस विल बी, इफ़ एरिया इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर्स के सारे
टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक ना। हमने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको हमने बता दिए हैं। दिस वॉज द लास्ट वन, ओके। कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो इस तरीके से इसका एरिया हम फाइंड करते हैं। क्लियर हुआ?